अफगानिस्तान अगर डट जाए ना तो किसी भी कंट्री को शिकस्त दे सकता है, लेकिन वो समझदार है, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। वो ट्रेड करना जानते हैं और उन्हें पता है कि भाई हमें जो है ना ये भारत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा, अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना तो समझे वहां पे एक स्टेडियम नहीं बनना, 10 स्टेडियम बन जाएंगे। फाइनली दोस्तों, तालिबान ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें मदद मांगी गई है हिंदुस्तान से। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, 10 डिफेक्ट तो मैंने किया। मैं मदरसे से सीख के आया हूं। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करें क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां, आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है आपको। क्या भाई, हम एटमी कुव्वत किस लिए है? वो एटमी कुव्वत फिर शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना, एटम बम है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी? जंगों में चला ना शादी पे? जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? तो वो काफी इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि ग्राउंड बना दो तो जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है ऐसे बना दिया। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो उनको बना के दे रहे हैं, उससे अफगानिस्तान में क्रिकेट बहाल होगी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। दोस्तों, खबर आई है कि तालिबान जो है एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और वो भी भारत की मदद से। वैसे तो भारत ने इससे पहले बहुत से प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में किए, चाहे उनकी असेंबली हो, डैम्स हो, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मगर अब तालिबान चाहता है कि ये जो स्टेडियम बनाने जा रहे हैं इसमें भी भारत उनकी हेल्प करे, और मेरे ख्याल से भारत इसमें भी हेल्प करेगा। वैसे तो भारत आज भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते आ रहा है और अभी भी करेगा। तो अब ये खबर सामने आने के बाद में दोस्तों पठान भाई को भी शौक लगा। आज की वीडियो में हम वो भी देखेंगे पठान भाई के इसके ऊपर क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर, मगर साथ ही में पाकिस्तानियों को भी झटका लगा है। पाकिस्तान भी ये खबर सुन के जो है थोड़े से शौक हुए हैं, तो वो भी इस खबर को लेके इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हिंदी करते हैं वीडियो शुरू। एज ए मुस्लिम ना, वो हमें अच्छा नहीं जानते अफगानिस्तान वाले, तो वो इस वजह से उनसे मदद मांग रहे हैं, और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है और ज़्यादा उनके जहन उनकी तरफ मायल हैं, मैशियत उनकी अच्छी है, तो अट्रैक्शन फिर उधर ही होनी है, सिंपल। अफगानी तो खुद मुसलमान है, फिर वो हमें क्यों बुरा जानते हैं? मेरी बात सुने, हमारे यहाँ ना कल्चर जो है ना हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है हम लोगों में। अच्छा, क्या हाँ, कौवा चला हंस की चाल, और अपनी चाल भूल गया, हम लोगों की वो बात है, तो इस वजह से भी हो सकता है। ये मेन रीजंस हैं जो लोगों के सर से बात गुजर जाती है, लेकिन ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने ये रेज किया है इसको समझने की कोशिश कर। भारत के साथ उनके ताल्लुकात इतने मजबूत है, कहते हैं अफगान इंडिया भाई भाई, इस पर क्या कहेंगे? ये उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन ये जो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि काफिर तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो बात तो वो फिर चाइना को बायकॉट, निकले मैदान पे? नहीं ना, मेरी बात सुने ना बे यार, क्यों? लेकिन ये दुनियादारी के जो फायदे हैं ना, हम उन पे लगे हुए हैं ना, मैंने तो वो अगली बात की है ना आपसे, लेकिन उस सॉरी टू से हमने चाइना के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, भारत के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, अमेरिका के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, हम काफिर कहते हैं भारत को है, चाइना को हम सराखों पे बिठाते हैं, अमेरिका के हम गुलाम हैं। सॉरी टू से, नई नई चीजें जो है वो सुनने में आ रही है तालिबान की तरफ से, और हमेशा कुछ ऐसी बात कर देते हैं तालिबान जिसे सुनकर बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि यार ये असल में ये हकीकत भी है या फिर ये लोग ऐसे ही हवा छोड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हवा छोड़ रहे हैं दोस्तों, हो सकता है कि तालिबान के दिल में ये बात आ गई हो कि यार क्यों ना स्पोर्ट्स या क्रिकेट को भी जो है थोड़ी तवज्जो दी जाए, जहां अफगानिस्तान के अंदर इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाएगा, जहां पर तालिबान जो है दोस्तों अब बाकी देशों को सीरीज के लिए इनवाइट करेंगे।
और तालिबान बोल रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी हम पूरे रॉकेट हाथ में कंधे पे रख के सिक्योरिटी देंगे भाई। तो भाई देखे यार, मैं तो चलो मान लेते हैं कि ग्राउंड बन गया, स्टेडियम बन गया, लेकिन भाई वहां पर आएगा कौन, ये भी बहुत बड़ी बात है। तालिबान बोलते हैं कि हम पूरी सिक्योरिटी देंगे अगर हम ये स्टेडियम बना लें कल को सीरीज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर। देखिए ये शुरुआत बड़ी अच्छी है, बात बुरी नहीं है, बात अच्छी बात है। अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो भाईजान है, भाई भाई है, तो ये होते हैं रिलेशन बनाने के तरीक़ेकार। देखिए अफगानिस्तान जो है ना अमेरिका के जैसे अपना मुशर्रफ साहब ने अड्डे दे दिए थे, तो कितना अरसा जंग लगी रही है, अफगानिस्तान ने भगाया उनको सबको मुजाहिदीन ने। तो देखा जाए तो अफगानिस्तान अगर डट जाए ना तो किसी भी कंट्री को शिकस्त दे सकता है, लेकिन वो समझदार है, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। वो ट्रेड करना जानते हैं और उन्हें पता है कि भाई हमें जो है ना ये भारत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा, अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना तो समझे वहाँ पे एक स्टेडियम नहीं बनना, 10 स्टेडियम बन जाएंगे। क्या बात है, नरेंद्र मोदी को पल्ले से भी अगर कोई जगह देनी पड़े ना तो दे देंगे, वो ऐसे इंसान है। वो देखेंगे कि वहाँ पे जंगल में बाहर कोई जगह है तो मुझे बताएं अफगानिस्तान वालों आपको कौन कौन सी जगह पे स्टेडियम चाहिए। आप एक स्टेडियम की बात कर रहे हो, एक स्टेडियम तो मेरे लिए एक जर्रा है, आप बड़ी डिमांड करें हमारे साथ। तो ये तो निमरा आपने बड़ी छोटा सा मेरे से जो है ना क्या बात कर दिया है, इंडिया इतना रिच है या इंडिया का हाथ इतना है सब पर। देखिए जी हमसे झूठ नहीं बोला जाता ना, हम झूठ बोलेंगे इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं झूठ बोल भी लूंगा तो जो देखने वाले हैं उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया जो है वो है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग तारीफें कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। क्यों नाम ले रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर ये बन जाता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आगे जाके और भी ग्राउंड बने। तो दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर ये होता है तो हम ये तो नहीं बोल सकते अब तालिबान को कि भाई बेकार में मेहनत मत करो, लोग आएंगे नहीं। वो आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। पहले दोस्तों अगर ये ग्राउंड या स्टेडियम बन जाता है ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अफगानिस्तान की टीम के लिए। अब हो सकता है कि तालिबान जब ग्राउंड बनाने का सोच रहे हैं या स्टेडियम बनाने का सोच रहे हैं तो आगे भी कुछ सोचा होगा। मेरे ख्याल से तालिबान भाई कोई लीग वीग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे तालिबान लीग। मैं तो सोच के भी हंसी आती है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी जमाना आएगा, कोई ऐसा दिन आएगा कि भाई तालिबान लीग करवाएंगे। एनीवे तो मजाक कर रहा हूँ भाई, तालिबान क्यों करवाएंगे, करवाएगा तो एसीबी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करवाएगा, ये तो बस एक मजाक कर रहा हूँ। लेकिन भाई ये न्यूज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं कि ये ग्राउंड का काम कब स्टार्ट होता है। अभी तो रिसेंटली इन लोगों ने बैठ के ये बात की है और हिंदुस्तान से जो है वो ग्राउंड बनाने में मदद मांगी है। वहाँ के इंजीनियर आएंगे, देखेंगे किस टाइप का ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ नहीं बनाया जाएगा। एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनने की जो है दोस्तों तैयारियाँ अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है स्टार्ट कर दी है। डीप फ्रीजर के साथ भी लिखा होता है पाकिस्तान में जो डीप फ्रीजर होते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो नरेंद्र मोदी का भाई नाम ही काफ़ी है, तो कहने का मकसद है अफगानिस्तान जो है वो कहता है कि भाई आज हमें इंडिया हुक्म करे या आज हमें इंडिया बोले तो हम पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए भी तैयार हैं। तो इतना फरमा बरदार अफगानिस्तान और उससे बढ़ के फरमा बरदार भारत, जो कि ट्रेड भी कर रहा है अफगानिस्तान पर, जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, क्यों ना करे भाई। हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा सा, जो डेवलप कंट्रियाँ हैं ख़ासकर इंडिया जो है, इंडिया में जब हमारा पाकिस्तान में मैच हुआ करता था ना, हम कहते थे भाई ये कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये जंग शुरू हो गई है। और यार खेल को खेल समझो, क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड समझे। अगर अफगानिस्तान में ग्राउंड बन रही है ना तो ये मैं आपको दावे से कह दूँ इंटरनेशनल जैसे ग्राउंड होती है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड ही है ग्राउंड, हाँ, तो अफगानिस्तान में भी
ऐसी ही ग्राउंड बनने जा रही है। कहना क्या है, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा और बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो काम है ना वो बड़ा आला होता है। वहाँ के इंजीनियर जो है ना वो बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम में ही उनको जो है ना प्रैक्टिकल करवा दी जाती है। जब इंजीनियरिंग करते हैं ना वो लोग, तो उनको बाकायदा प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, सिर्फ थ्योरी पर ठरखाया नहीं जाता है। आपको क्या लगता है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो अफगानिस्तान भारत को अपना भाई जान बोलता है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जारी सी बात है, इंडिया ने अफ़गानिस्तान की हेल्प इसी तरह से की है जिस तरह कोई बड़ा भाई करता है, ठीक है ना। जब भी उनको किसी किस्म की ज़रूरत पड़ी है वहाँ से इंडिया ने एड भेजी है। वहाँ की आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने डैम वहाँ पे बनाया है उनके लिए, उन्होंने सड़कें वहाँ पे बनाई है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो तक बिल्ड किया है। तो जारी सी बात है, एक बड़े भाई होने का जो फ़र्ज़ है ना वो बाकायदा अदा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो उनको भाईजान बोलते भी हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि भाई हमारे पठान भाई भी बहुत हंस रहे थे, और उनका कहना था कि ये जो ग्राउंड बनेगा तो इसमें तालिबान लीग होगी। तो शायद तालिबान लीग हो या और कोई भी लीग हो, मेन बात तो ये है कि तालिबान ने ये दिखा दिया कि वो भी क्रिकेट से प्यार करते हैं, और इसीलिए तो इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाने की वो बात कर रहे हैं, यानी स्पोर्ट्स से भी वो अब प्यार करने लगे, ऐसा जाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर भाई ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भारत को बड़ा भाई मानते हैं, तो भाई भारत को बड़ा भाई तो मानते हैं क्योंकि भारत जो है बड़े भाई की तरह ही अफगानिस्तान की हेल्प करता है और करता रहेगा। और जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ किया है, जिस कदर वहाँ पर मासूम लोगों की जानें ली है, ड्रोन अटैक किए हैं, अड्डे दिए हैं, तो वो जो अफगानिस्तान के लोग हैं ये कभी भी ये बातें नहीं भूलेगी, और इतने आसानी से तो नहीं वो भूल सकते, उनके दिलों में ये बात हमेशा रहेगी जिस कदर आपने अफगानिस्तान के लोगों के साथ किया। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।